हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छे चल रही होगी। सो आज मैं आप लोगों से बात करने वाली हूँ आर ओ आर ओ मेन्स को लेकर के। देखो, प्री के लिए हम डेली टारगेट देते हैं, प्री के लिए सारी चीज़ें हम अवेलेबल करवा दे रहे हैं, जैसे कि हम डेली आप लोगों को कितना क्या पढ़ना है उसके बारे में हम आपको डेली बता देते हैं। प्री एटले आप सबको पता चल गया होगा प्री में आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, बट अभी समय ज़्यादा है, अभी आपको मेंस पर क्या फोकस करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए हम उस पर बात करेंगे, क्योंकि आप लोग अधिकतर मैसेज ऐसे आए हैं कि आप जो है मेंस मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, और तो मेंस पर आज हम आपसे चर्चा करेंगे। जैसे आप सबको पता है कि आर ओ मेंस 2.5 महीने बाद हो जाएगा, जैसे ही आपका प्रीलिम्स होगा आपका मेंस हो जाएगा, ठीक है। जुलाई मान के चलो, जुलाई और उसके बाद ही आपका पेपर होगा, या जुलाई में होगा उसके बाद ही होगा, उससे पहले नहीं होने वाला, तो आपके पास अच्छा खासा समय है। तो अभी आप क्या करें, देखो दो मैं कहूँगी कि दो तरह स्टूडेंट हैं, एक जिनका पहले से ही प्री एकदम रेडी है, ठीक है, मैं पहले उन्हीं की बात कर ले रही हूँ, जो अभी आपका 11 फरवरी को पेपर हुआ उससे पहले ही एकदम प्री उन्होंने अच्छा कर दिया, उनका अच्छा खासा नंबर 120-130 बन रहा है, तो उनके लिए मैं बोलूँगी कि आप अच्छे से मेंस पर लग जाइए। इसका मतलब ये है कि आप आंसर राइटिंग लिखिए, आप इससे लिखिए, ठीक है, आप मेंस के जो आपका सिलेबस है, मेंस का आप जो सब्जेक्ट है आप उस पर काम करिए, ठीक है। अब आप जो दूसरे जो स्टूडेंट हैं जिनका मेंस तो ठीक है उनको करना है, बट उनका प्री भी नहीं तैयार है, अभी जब उन्होंने 11 को पेपर दिया तो उन्होंने उनका कम मार्क्स आया किसी तरह रह गया, ठीक है, या फिर उन्होंने प्रीलिम्स नहीं दिया था, अब वो प्रीलिम्स भी देना चाहते हैं, तो दो ऐसे लोग हैं जो अभी प्रीलिम्स भी दे रहे हैं और तैयारी भी नहीं है। तो उन लोगों से मैं कहना चाहूँगी कि देखो पहले आपका प्रीलिम्स है, ठीक, तो प्रीलिम्स पर फोकस करो। हाँ, ये नहीं कहूँगी कि आप मेंस को जो प्रीलिम्स छोड़ दो, अभी आप प्रीलिम्स पढ़ते हुए चलो, और साथ ही साथ आप मेंस के जो सिलेबस हैं, जैसे आप मेंस को 3 भाग में बांटो, एक आपका जीएस हिंदी मान लो, दूसरा आपका निबंध और ये आपका निबंध मान लो, और तीसरा आप अपना ये मान लो जो आपके ड्राफ्टिंग वाले हैं, हिंदी से इंग्लिश करना और आपके जो भी पत्र लेखन वगैरह हैं आप उसको एक टाइप, तो तीन जगह पे आप अपना ऐसे ऐसे डिवाइड कर लो, ठीक है। तो अब जैसे कि मैं बात करती हूँ कि जैसे एक पर हुआ जीएस और हिंदी, जीएस और हिंदी आप पढ़ रहे हो और हिंदी का पर्यायवाची आपका वहाँ जा करके खत्म हो जाता है, यानी हिंदी में आपको 5 और जीएस में आपकी प्री में आपको 140 करना होता है, वहाँ जा करके आपको 120 ही क्वेश्चन करना होता है, तो वो आप साइड में रख दो, क्योंकि आप जब प्रीलिम्स रेडी कर रहे हो तो मेंस आपका हो रहा है, ठीक है। ऐसे ही पेपर होता है, थोड़ा टफ होता है, तो वो आप जो है जब मेंस निकल जाता है तो अपने आप हो जाता है, और जो आप प्री के लिए पढ़ रहे हो वही मेंस के लिए ही पढ़ा जाता है, कोई एक्स्ट्रा अलग से कुछ स्ट्रैटेजी नहीं होती। हाँ, टेस्ट वगैरह कंटिन्यू ज़्यादा लगाया जाता है, ठीक है। अब मैं बात करती हूँ कि आपका दूसरा, ठीक है, अब मैं निबंध पर बात कर ले, तो निबंध के लिए आप क्या करो कि निबंध अभी मत लिखो, जब आपको ज़्यादा समय मिलेगा ना पेपर देने के बाद, आपको एनालिसिस आप खुद करोगे, आपको लग जाएगा कि हाँ मेरा पेपर अच्छा हुआ है, तो रिजल्ट आने से पहले ही निबंध पर लिखना शुरू कर देना, ठीक है। बट मैं ये कहूँगी कि निबंध के लिए जो जैसे आपके 3 हैं, एक आपका साहित्य का क्षेत्र है, साहित्य राजनीतिक क्षेत्र है, दूसरा आपका जो है विज्ञान प्रौद्योगिकी का है, ठीक है, और तीसरा आपका जो है वो जैसे आपका आपदा हुआ, भूकंप का, ये सारा आपका क्षेत्र हुआ, इसे हम कहेंगे नाम, मैंने A to Z सारा इसमें मैंने अच्छे से आपका स्ट्रैटेजी बना के रखा है, इसको मैं आपके टेलीग्राम पे पोस्ट कर दूंगी, ठीक है। तो वो आपका हो गया तीसरा वाला राष्ट्रीय आपदा, तो इस तरह से आपके 3 हो गए। अब आप क्या करो कि इन तीनों को बांट लो कि हाँ राष्ट्रीय आपदा से ये टॉपिक करंट अफेयर में आया तो उसको नोट कर लो, तो मेंस के लिए रखो कि करंट अफेयर के नजरिए से देखते रहो, मेंस की नजरिए से भी देखते रहो कि हाँ ये टॉपिक है इंपॉर्टेंट तो लिख लें, क्योंकि मेंस में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो करंट अफेयर से जुड़े रहो, लेकिन मेंस बस देख लो कि कैसे पेपर आते हैं क्या होता है, बट उस पर काम मत करो, क्योंकि जब आपका प्रीलिम्स ही नहीं निकलेगा तो मेंस निकाल के क्या करोगे, मतलब मेंस लिख के अभी क्या कर लोगे, इसलिए प्रीलिम्स पर फोकस करो, इसलिए ज्यादा से ज्यादा प्रीलिम्स पढ़ो, और उसके साथ साथ मेंस में क्या पढ़ो वो भी आपको पढ़ना तो है ही मेंस, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगी कि आप पूरा मेंस ही खत्म कर डालो, प्री खत्म ही ना करो। जैसे मेंस में जो दूसरा भाग मैंने बताया, देखो तीसरा भाग, जैसे पहला भाग आपका जीएस और हिंदी हो गया, वो आपका चल रहा है, मेंस तैयार हो रहा है, दूसरा भाग आपका मैंने निबंध का बताया, वो आपको करंट अफेयर पर ध्यान देना है, अभी निबंध लिखना नहीं है, तीसरा भाग आपका, मतलब मैं क्रम वाइज नहीं बता रही हूँ, ठीक है, मैंने अपने हिसाब से बांट के आपको बता रही हूँ, तीसरा आप क्या करोगे, जो आपका पत्र लेखन है, ड्राफ्टिंग है, कंप्यूटर है, ठीक है, ये सब आपके जो नंबर हैं आप इसको ऐसा करो कि इसको लिख डालो, जैसे कि आप पत्र लेखन आपके जो जितने प्रकार के हैं पत्र लेखन लिख लो, ठीक है, आगे मैं बुक लिस्ट भी बता दूंगी आप लोगों को, तो पत्र लेखन हो गया, कंप्यूटर आपका आता है वो लिख लो, आपका ड्राफ्टिंग है वो लिख लो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप जो है अभी कर सकते हैं, ठीक है, मेंस के लिए। अब आप जो है इसकी आगे मैं बता दूंगी कि किताबें वगैरह क्या, बस मैं आपको अभी ये बता रही हूँ कि आप इतना करिए मेंस के लिए, ठीक है। आई होप मैं बहुत स्लो और बहुत सिस्टमैटिक वे में आपको बता रही हूँ, आप बस ध्यान लगा के सुनिए जितना मैं बता रही हूँ, मेंस के लिए उतना करिए अभी, ठीक है, और क्योंकि प्रीलिम्स आप पहले फोकस करो, आपको प्रीलिम्स निकालना है, तो आप क्या करें, आप जीएस आपका तैयार हो रहा है, हिंदी तैयार हो रहा है, आप ड्राफ्टिंग, कंप्यूटर और पत्र लेखन ये आप कंप्लीट कर लो, ठीक है, और निबंध के लिए जो करंट तो पढ़ ही रहे हो उस पर ध्यान देते रहो, और वो साइड में रख दो, जब आप पेपर देके आओगे फिर 2.5 महीने पेपर मेंस के रिजल्ट आने के बाद आपको मेंस के लिए मिलता है कि हाँ अब आपका मेंस होगा, उसके बाद उससे पहले ही रिजल्ट आते हैं, टाइम लगता है, तो आपको अच्छा खासा समय मिल जाता है, तो आप उसमें क्या करो
कि आप आराम से जो है वहाँ आप अपना तैयारी कर लेना आंसर राइटिंग का, क्योंकि आपका और बर्डन खत्म रहेगा ना, आपको जीएस ज़्यादा पढ़ना है, सिर्फ रिविजन करना रहेगा उस समय, और आपका ये ड्राफ्टिंग वाले सारे पार्ट आपके कंप्लीट रहेंगे, तो आपको सिर्फ लिखना रहेगा निबंध में और सारे रिविजन करते रहेंगे, तो ये बर्डन अभी आप खत्म कर लो, ठीक है। अब मैं आप बात करती हूँ, जैसे कि मैंने आपसे पूरी बात कर ली कि किसको कहाँ कंप्लीट करना है, ठीक है। अब मैं आपसे ये बताने वाली हूँ कि जैसे आप जीएस का, मैं मेंस की बात करूँ, ठीक है, प्रीलिम्स की हमने बहुत बातें करी, अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं प्रीलिम्स के बारे में भी आपको बताऊंगी, बट अभी मैं मेंस के लिए बता रहा हूँ। जैसे मेंस का जो जीएस वाला पार्ट है, सेम आपकी प्रीलिम्स की किताबें हैं, सेम आपका हिंदी के लिए सेम किताबें हैं, कोई बदलाव नहीं है, बस आप मल्टीपल टाइम रिविजन करते रहो। आपका दूसरा जो पत्र लेखन वाला है, उसके लिए आप प्रीवियस ईयर पेपर देख लो, इसका देख लो, फिर साथ ही पीसीएस का देख लो कैसे पूछा जा रहा है, और जो है आपको जो अच्छा लगे वो वाला क्षेत्र आप अच्छे से डिसाइड कर लो, उससे जरूर लिखो, ठीक है। तो इस तरह से हो गया आपका पत्र लेखन, एक बार देख लेना। अब आपका जो तीसरा है, जो ड्राफ्टिंग वाला पार्ट है, उसके लिए रखो। ड्राफ्टिंग मतलब जो आपके जो है जो नहीं थोड़ा जान पा रहे उनके लिए मैं बताऊँ, जैसे कि आपका हिंदी से इंग्लिश करना, पत्र लेखन, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो आप उसको क्या करो कि आप उसके लिए किताब रखो, प्रीवियस ईयर भी रखो कि देखो कैसे पेपर आए हैं, प्रीवियस ईयर पहले सॉल्व करो, ए टू जेड सॉल्व करो। आई नो पहले राउंड में आपको नहीं समझ में आएगा, किसी को नहीं आता, मुझे भी नहीं आया था पहली बार में कि मैं क्या सॉल्व कर रहा हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, फिर दोबारा मैंने पढ़ा उसे ही अपने प्रीवियस ईयर ही बुक को, और उसके बाद जो है और मैंने प्रीवियस ईयर में यूथ ले लिया था, तो कोई भी किताब ले लो चल जाएगा, या आपके पास जो भी किताब है उसी से बेस्ट है। तो आप जो है क्या नाम है, आप हाँ उसे प्रीवियस ईयर देखो। उसके बाद जो है मेरे जो सोर्सेस थे, जैसे कि आपका वासुदेव नंदन हुआ, सबसे बेस्ट किताब तो आपकी हरदुवारी है, और दूसरी आपके पृथ्वीनाथ पांडे है, और तीसरी आपकी वासुदेव नंदन है। इन तीनों में से कोई एक किताब है, या आपके पास जो भी कोई किताब है वही बेस्ट है, ठीक है। तो पृथ्वीनाथ पांडे, हरदुवारी बेस्ट है, ठीक है। थोड़े से देखो गलतियाँ सब में होती हैं, उसमें भी हैं, बट इतनी नहीं है, हरदुवारी बेस्ट है, अच्छी किताब है। तो हरदुवारी जो है आप ले लें, उसमें आपको पत्र लेखन वगैरह का अच्छे से दिया हुआ है, आप उसे एक बार लगाएं, एक बार लिखें, फिर दोबारा उसे लिखें, फिर आपको जैसे एक दो बार लिखेंगे ना आपको समझ में आ जाएगा कि क्या कहना चाहता है, तो आप फिर आप पत्र लेखन वहाँ से सीख लेंगे, हिंदी से इंग्लिश आप वहाँ से सीख लेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप वहाँ से सीख लेंगे, फिर धीरे धीरे आपको खुद ही माइंड डेवलप होगा, आप खुद ही जो है सर्च करेंगे चीज़ों को, जैसे ही आपको पता चल जाएगा कि पत्र लेखन कैसे आता है, बट ये किताबें पढ़ोगे तो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी, जिससे आपको एक लाइन पता चल जाएगा कि हम पढ़ना क्या चाहते हैं या हमें पढ़ना क्या है, तो इस किताब में आपका जो आपके डाउट हैं लाइक आपके पत्र लेखन वगैरह यहाँ मिल जाएंगे। कॉमन सी किताबें सबके पास होती है, आपके पास अगर कोई और किताब है तो आप वही रखो, एक किताब रखना, ये नहीं कि मैंने हरदुवारी, पृथ्वीनाथ पांडे और वासुदेव नंदन बता दिया तो आपको यही लेनी है, नहीं, आपके पास जो भी है बेस्ट है, अगर नहीं है तो इन तीनों में से कोई एक ले लेना, इन तीनों में से अगर आपको लेना ही है तो हरदुवारी ले लेना, ठीक है। तो ये हो गया आपका, मैंने बता दिया किताबें कि आपको किताबें कैसे और कहाँ से पढ़नी है, उसके बाद आपको क्या करना है, ये हो गया आपकी जो है मेंस की स्ट्रैटेजी। अब आप अभी से लग जाओ, जैसे कि आप सारा दिन 4 से 5 घंटे आप प्रीलिम्स के लिए दे रहे हो, ठीक है, तो आप 2 घंटे मेंस के लिए दे दो, इस तरह से आपको करना है, ना कि आप मेंस के लिए 5-6 घंटे दो, 1-2 घंटे प्रीलिम्स के लिए दो, ये गलत बात है। आप अपना क्या करो कि आप 4 से 5 घंटे प्रीलिम्स के लिए दो और फिर 1-2 घंटे आप मेंस के लिए दे दो, ठीक है। तो ये हो गया आपकी सारी मेंस की स्ट्रैटेजी, आपको करना क्या है और कैसे करना है, कैसे आपको मैनेज करना है। आई होप आप लोगों की ये मेंस की जो प्रॉब्लम थी वो खत्म हो गई होगी। अब हम जो हमारा नेक्स्ट वीडियो रहेगा वो हम बात करेंगे कि हमारा जो ये पैटर्न है, जिस तरह से सवाल पूछा गया ना, इसको कैसे हैंडल करें, प्रीलिम्स में जो 11 फरवरी को हुआ उसमें जो पैटर्न था ना उसको कैसे सॉल्व करें, तो उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, और तब तक आप लोग मेंस पर काम करते हुए चलिए, तो हम कल मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।